दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय हीरा बैंकेट हॉल फुली एयर कंडीशनर एट सैयद अली चबूतरा नियर शाहगौस होटल। आप सबका इस्तकबाल A18 तेलंगाना न्यूज पर। कैबिनेट मंत्री और सिकंदराबाद के MP किशन रेड्डी का काफिला जन आशीर्वाद जब अंबरपेट पहुंचा तो वो अपने आप को रोक नहीं पाए और रो पड़े और अंबरपेट के आवाम को कहा वो अपनी आखिरी सांस तक अंबरपेट की आवाम के लिए काम करेंगे। और वहीं दूसरी ओर BJP MLA राजा सिंह अपनी सियासी चाल तालिबान को लेकर शुरू कर दी है बयानबाजी। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। हर अहम खबर से बाखबर रहने A18 तेलंगाना न्यूज को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। ब्यूरो रिपोर्ट A18 तेलंगाना न्यूज। साधारण कार्यकर्ता ఉన్నట్టు నాకు అంబర్పేట ప్రజలు ఇచ్చినటువంటి దీవెనలు ఆశీస్సులు నా చివరి శ్వాస ఉన్న వద్ద కూడా మర్చిపోనని మనవి చేస్తా ఉన్నాను। చివరి శ్వాస कि भारत का अगर कोई मुसलमान पाकिस्तान में जाता है हमदर्दी अगर दिखाने के लिए तो पाकिस्तान का मुसलमान मुजाहिर कहकर तुम्हें लात मार के तुम्हें दूर भगाता है और तुम्हें पानी भी पीने के लिए नहीं देता पाकिस्तान का मुसलमान। ये पाकिस्तान में तुम लोगों की गति है। आज भारत देश ने तुम्हें क्या क्या नहीं दिया, नाम, शोहरत, इज्जत, खाना, रहना, पॉलिटिशियन, सब कुछ तुम्हें भारत देश ने दिया है। और भारत देश में रहकर भारत के दुश्मन पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे तुम लोग लगाते हो, ये तुम्हें शर्म आनी चाहिए। कुछ मुसलमान उस प्रकार की मेंटालिटी के लोग हैं, लेकिन भारत में बहुत सारे ऐसे मुस्लिम हैं जो भारत देश का समर्थन करते हैं। कई ऐसे आर्मी ऑफिसर है, कई ऐसे देशभक्त है जिन्होंने देश के खातिर अपने प्राणों का बलिदान भी दिए सो है। लेकिन ये कुछ हरामियों की वजह से सारे मुसलमानों के ऊपर उंगली उठती है। तो मैं देशभक्त मुसलमानों से कहना चाहूँगा कि हमारे जैसे लोग विरोध ना करते हुए अगर इनका विरोध अगर आप ही लोग करते हो तो बहुत अच्छा रहेगा और देश में भी बहुत अच्छा एक अच्छा मैसेज जाएगा। साथ ही साथ ऐसे गद्दार मुसलमानों से हमेशा सावधान रहने चाहिए जो देश में रहकर देश के खिलाफ सोच रखते हैं, क्योंकि अभी तालिबानी एक देश पर राज कर रहे हैं और तालिबानी कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर भारत और इन तालिबानियों के बीच में अगर युद्ध हुआ तो ये जो पाकिस्तान जिंदाबाद करने वाले गद्दार क्या भारत का समर्थन करेंगे या ऐसे तालिबानियों का समर्थन करेंगे, इनसे हमें बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसी सोच रखने वाली कितनी बस्ती हैं, ऐसी सोच रखने वाले कितने क्षेत्र हैं और ऐसे सोच रखने वाले कितने व्यक्ति हैं, उनको आइडेंटिफाई करके उनके ऊपर निगाह रखने की आवश्यकता है। क्योंकि आने वाला जो समय है वो बहुत ही खतरनाक समय है, यानी 2 साल। ये 2 साल का जो समय है बहुत ही भयंकर रूप से वातावरण चेंज होने वाला समय है भारत देश का। तो ऐसे समय में ऐसे गद्दारों के ऊपर दृष्टि रखने की आवश्यकता है केंद्र सरकार पर।